आज मैं आपको ज्योतिष में अंतर दशाओं से प्रत्यंतर दशाएं कैसे ज्ञात करते हैं इसकी जानकारी दूंगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जातक के जन्म समय कोई न कोई ग्रह की महादशा होती है। वो महादशा वर्षों में चलती है। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि महादशाएं 9 ग्रहों की 9 होती है और उनका वर्षों में कुल योग 120 वर्ष होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक महादशा में उससे छोटी इकाई जिसे हम अंतरदशा कहते हैं उससे छोटी इकाई प्रत्यंतर दशा कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में महादशा से अंतर दशाओं की आपको मैंने जानकारी दी थी और मैं यहां आपको उसका लिंक भी दूंगा। अब हुआ ये कि अंतर दशा 9 ग्रहों की 9 होती है। प्रत्येक महादशा में अंतरदशा 9 9 9, यदि 9 ग्रहों की अंतरदशा कुल हम ज्ञात करें तो एक ग्रह में एक ग्रह की महादशा में 9, तो 9 ग्रहों की अंतरदशाएं हो गई 9 × 9 अर्थात 9 × 81। अब प्रत्येक अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा होती है। जैसे सूर्य की महादशा, उसमें सूर्य की अंतरदशा और सूर्य की अंतरदशा के अंदर आपको प्रत्यंतर दशा ज्ञात करनी है तो वहाँ सूर्य की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशाएं 9 ज्ञात करनी होगी और उसी क्रम में ज्ञात की जाएगी जिस क्रम में महादशाएं होती है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि गणना कार्य तो जटिल है ही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे महादशाओं में संख्याएं ज्ञात करना 6 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष इनमें कोई परेशानी नहीं है। उससे थोड़ी ज्यादा परेशानी आ जाती है जब आप महादशा से अंतरदशा ज्ञात करते हैं और उससे ज्यादा परेशानी आ जाती है जब अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा ज्ञात करते हैं। अब हम आपको आज इस एपिसोड में बता रहे हैं कि प्रत्येक अंतरदशा में 9 प्रत्यंतर दशाएं उसी क्रम में होती है जिस क्रम में महादशाएं, जैसे सूर्य की महादशा में अंतरदशा सूर्य में प्रत्यंतर दशाएं क्रमशः, यानी कि सूर्य की महादशा और सूर्य की महादशा में अंतरदशा और अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशाएं क्रमशः। यह हमने महादशा लिखी, अंतरदशा एक एक जगह लिखी है, जबकि आप यहां मानकर चलेंगे कि ये पूरे 9 की 9 जगह लिखी हुई है। इस अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा में कौन कौन सी प्रत्यंतर दशाएं होंगी? सूर्य की पहली, दूसरी चंद्र की, तीसरी मंगल की, चौथी राहु की, पांचवी गुरु की, छठी शनि की, सातवीं बुध की, आठवीं केतु की और नवीं शुक्र की। यहाँ इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो प्रत्यंतर दशा होती है, जो जिस अंतर दशा में हम प्रत्यंतर दशा ज्ञात करने जा रहे हैं, प्रथम प्रत्यंतर दशा वही होती है जो अंतरदशा है। जैसे अभी हमने सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा और सूर्य की अंतरदशा में सूर्य की ही प्रत्यंतर दशा ली।
यदि मान लो एक बार कि यहाँ हम चंद्र की अंतरदशा ज्ञात करते, सूर्य में चंद्र की अंतरदशा ज्ञात करते, तो चंद्र की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशाएं होती चंद्र की, पहली चंद्र की, फिर उसके बाद के अंदर मंगल राहु गुरु, इस ऑर्डर के अंदर वह चलती। तो यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि प्रथम प्रत्यंतर दशा वही होती है जो अंतर दशा है। अब इन प्रत्यंतर दशाओं की गणना करना आपको आना चाहिए। आप यह सोच सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर जब रेडीमेड माल बाजार में मिल रहा है तो मैं घर पर उसे रसोई में क्यों तैयार करूं? आपका कहना तो वाजिब है, लेकिन भैया रेडीमेड माल रेडीमेड ये आपको थोड़ी मालूम है कि वो कैसे तैयार हुआ है। कहने का मतलब प्रत्येक जो ज्योतिष का यानी कि कुंडली सॉफ्टवेयर है उसमें सब में करीब करीब अंतर दशा में प्रत्यंतर दशाएं कितने कितने दिन घंटे मिनट की होती है हमें मिल जाता है। कुछ तो बड़े ही पावरफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, परंतु वो आपकी अकल कहाँ लगी उसमें? आपको मदद लेने में, ये केवल आपकी मदद के लिए सॉफ्टवेयर है, आपको मदद उनसे लेनी है, लेकिन आपको खुद को मालूम होनी चाहिए कि अंतर दशा में प्रत्यंतर दशाएं कैसे ज्ञात की जाती है। अगर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनको ज्ञात करना और इनके आधार पर फलादेश आपको नहीं आता है, तो मुझे बताओ कि कहाँ जरूरत पड़ रही है कि हम ज्योतिष शास्त्र में अपनी बात रखें, कहाँ जरूरत पड़ रही है कि किसी की कुंडली को हम छेड़ा छाड़ी करें। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें आना चाहिए महादशा से अंतर दशा और अंतर दशा से प्रत्यंतर दशाएं कैसे ज्ञात की जाती है, जो आज का टॉपिक है। अब इसका जो गणित वाला भाग है कि कैसे ज्ञात की जाती है, वह मैं अब आपको बता रहा हूं। अब हम सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर दशा देखेंगे कितनी, क्यों कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर दशा होगी, उसी अंतर दशा में हमें प्रत्यंतर दशाएं ज्ञात करनी है। हमने देखा कि ये 3 माह 18 दिन आई, जो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। अब आप क्या करेंगे कि अच्छा रहेगा कि जो टाइम पीरियड हमारा है उसमें जो टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, हम पूरी अवधि को, पूरे पीरियड को हम उसमें कन्वर्ट कर ले, अर्थात 3 माह 18 दिन में छोटा जो यूनिट है वो दिन है, तो इसे हम दिनों में कन्वर्ट कर ले। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, 30 से 1 माह में 30 दिन होते हैं, और 18 दिन उसमें जोड़े तो 30 या 90 और 18 108 दिन हमारे पास में आ गए। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कैलकुलेशन को ज़्यादा जटिल अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक फैक्टर वैल्यू आप ज्ञात कर ले, जिसे आप ऐप से डिनोट कर ले। फैक्टर वैल्यू क्या होगी कि ये 108 दिन की क्या है अंतरदशा, सूर्य की महादशा में अंतरदशा 108 दिन की है, लेकिन जो सूर्य की महादशा है वो तो 6 वर्ष की है, तो अब उसे भी दिनों में बदलो। भाई हमने 108 दिन लिए तो महादशा को भी दिनों में बदलो, तो दिनों में बदला तो 6 को 12 से गुणा किया तो महीने आ गए 72, और 72 को हमने 30 से गुणा किया तो 2160 आ गया।
इसका मतलब 6 वर्ष जो सूर्य की महादशा है, जिसमें 3 माह 18 दिन सूर्य की अंतर्दशा है। और अब हम अंतर्दशा से प्रत्यंतर दशा ज्ञात करने जा रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन तो अब आगे बनेगा भैया मेरे। तो आगे बनाने के लिए पहले मैंने आपको कहा कि छोटा कैलकुलेशन तो आप ऐसा एक की पॉइंट ले लेना चाहिए कि वो बार बार आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो हमने फैक्टर वैल्यू ली और 6 वर्ष की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा 108 दिन की है, तो की फैक्टर कितना होगा, वो हो गया, इसको हमने काट छाट करी, 108 का डबल होता है 216 है, तो 2 आया और 0 का 0 1/20, यह हमारा F का मान आ गया। चलो ये अलग हम रख लेंगे, लिख लेंगे अगर अलग कहीं। लेकिन अब आप ये देखिए कि महादशा में अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर, मंगल की अंतर, राहु की अंतर, और इस प्रकार से सूर्य की महादशा में शुक्र की है, जिन्हें क्रम से आपको पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये क्रम से 3 माह 18 दिन, 6 माह 4 माह 6 दिन, और इसी प्रकार से शुक्र की 1 वर्ष अंतर्दशा होती है। सूर्य की महादशा में अंतर्दशा शुक्र की 1 वर्ष होती है। तो जो आपने काम यहाँ किया दिन में बदलने का, वही काम अब इन सब के साथ में कर ले, क्योंकि यूनिट जब एक जैसी होगी तभी तो आपका कैलकुलेशन वर्क सही होगा। तो 3 माह 18 दिन में कुल दिन 108 हो गए, 6 माह में 180 हो गए, 4 माह 6 दिन में 126 हो गए, इसी क्रम में 1 वर्ष में 360 दिन हमने लिए, 365 की जगह औसत यानी कि 30 दिन का 1 माह मानते हुए हमने 12 माह में 360 दिया। इन सब का जब हमने योग किया तो ध्यान रहे कि इसके बराबर आना चाहिए, 2160 के बराबर आना चाहिए, तो हमने देखा कि ये 2160 के बराबर आ गया हमारा, तो दिनों की संख्या हमारी उसके ठीक बराबर आ गई। मैं आगे बढूं उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो आपको मैं बता रहा हूं उसे पूरा सुनिए, समझिए। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में अपने टीचर या लेक्चरर प्रोफेसर से पढ़ते हैं, वैसे आप देखिए पेन पेंसिल और कागज आपके पास में होना चाहिए, और चाहे आप ज्योतिष सीखने के लिए किसी संस्थान में जा रहे हैं, आप चाहे ज्योतिष सीखने की एक जिज्ञासा रखते हैं और घर पर आप अलग अलग वीडियोस देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि जितना काम आप अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे हाथ से, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, बाजार में जितनी बुक्स तो मिलती है, लेकिन वो क्योंकि उनकी एक मर्यादा होती है, सब चीजों को वो डिटेल में नहीं दे, अगर डिटेल में देने लग जाए तो मालूम पड़ा कि भारतीय ज्योतिष की किताब तो 5-7 हजार पेज की बनेगी, तो कहाँ से तो उसकी कॉस्टिंग और कहाँ तक आप उसको पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए बुक लिखी जाती है और आपको और हमें पढ़ने को मिलती है। जो समझाने वाले हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, वो उनके वो क्लिप्स लेते हैं, उनमें जो दी हुई महत्वपूर्ण बातों को लेते हैं और उसके बाद में समझते हैं, समझाते हैं। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चाहे जिस स्टैंडर्ड पर हो, आप चाहे जिस स्टैंडर्ड पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम है मैथ्स, इसका नाम है गणित। ज्योतिष का गणित इतना जटिल है, जो सामान्य गणित होता है उसकी तुलना में काफी जटिल है, और एक बार अगर समझ में आ गया तो एकदम सरल हो जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें, ना तो इसमें कोई कैलकुलेटर काम में लेंगे आप, सारा काम आप अपने हाथ से कागज के ऊपर, रफ कागज, फेयर कागज अपना रखिएगा और उसके ऊपर ही आप करके
देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हमने महादशा में अंतर दशा जो सूर्य की है, चंद्र की है, मंगल की है, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र की है, इन सबको हमने दिनों में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक सेट फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के, बिना सूत्र के आप होचपोच हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि आप क्रॉस टेली नहीं कर सकते, आप उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, सत्यापन नहीं कर सकते कि मेरा जो मैंने अपने हाथ से काम किया है वह सही है या नहीं। पहले सत्यापन आपको अपने आप से ही करना है, और सेकंड नंबर पर जो सत्यापन होना चाहिए वो आपका मोबाइल या जो भी आपके पास में सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आप अंतर दशा से प्रत्यंतर दशा के जो चार्ट दिए हुए हैं आप उनसे सत्यापन करें। हमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी रेफरेंसेस काम में ले सकते हैं, और मैं आपको यही कहूंगा रेफरेंसेस काम में लेंगे तो दिमाग में एक कोई समस्या आ सकती है, कोई क्वेरी आ सकती है, क्वेरी आएगी तभी तो आप किसी से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप अपने हाथ से काम ही नहीं करेंगे तो क्वेरी आएगी ही कहां। ढाक के तीन पात पहले जैसे थे आज बाद में भी वैसे रहेंगे, ना कुंडली बना सकेंगे और ना ही फलादेश दे सकेंगे, आप डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं समझता हूं कि वो हमारा मददगार है, मैं जिन विद्वानों ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है मैं उनका साधुवाद करता हूं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं साथ ही यही भी कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स या जो ज्योतिषविद बनना चाहता है उनको पहले अपनी कलम से काम करना 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 चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रत्यंतर दशा ज्ञात करने का सूत्र है एप। एप कहां से लिया हमने, ये यहां से लिया, 1/20 आया, इनटू अंतर दशा। ये अंतर दशा जैसे सूर्य की, सूर्य में 108 दिन है, चंद्र की 180 दिन है, मंगल की 126 दिन है, दिनों में। अब यहां मैंने आपको क्या नोट लगाया कि प्रत्येक अंतर दशा की अवधि, जो प्रत्येक अंतर दशा की अवधि, यहां पर हम अंतर की जगह यहां प्रत्यंतर लिखते हैं, प्रत्येक प्रत्यंतर दशा की अवधि दिन, घंटे और मिनट में ज्ञात करेंगे। जो प्रत्यंतर दशा आएगी आपकी उसको आप काय में ज्ञात करेंगे, दिन, घंटे और मिनट में ज्ञात करेंगे, और उनका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो ध्यान रहे कि यहाँ आपको जो प्रत्यंतर दशा है वो यहाँ दिन, घंटे और मिनट में ज्ञात करनी है। प्रत्यंतर दशाओं की गणना, ये मैंने अभी हेडिंग लगाया है, आप यहाँ एक बड़ी सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम लिखेंगे महादशा, दूसरा अंतर दशा, तीसरा प्रत्यंतर दशा, चौथा बड़ा कॉलम बनेगा प्रत्यंतर दशा की अवधि, इसके छोटे कॉलम्स बनेंगे, पहला गणना और फिर दिन, घंटे, मिनट। यहाँ अपन स्पष्ट कर ले कि जैसे महादशा वर्षों में है, 6 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष इसी क्रम में, और अंतर दशा माह में और वर्ष में हो सकती है, माह दिन ये तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई एक वर्ष या ऐसा कुछ हो। तो माह ये वर्ष हो गया, ये माह से शुरू होकर दिन पर चली गई, लेकिन प्रत्यंतर दशा जो होगी वो आपकी दिन, घंटा और मिनट, किसमें होगी, ये दिन, घंटा और मिनट में होगी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जो अहोरात्र कहलाती है, दिन और रात दोनों मिलकर, जैसे रविवार
तो वो 24 घंटे का होगा एक दिन, सोमवार वह भी 24 घंटे का ही होगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्या चीज, दिन को घंटे में बदले और घंटों को मिनट में बदले। और जब लास्ट में हम गए हैं तो वहां वेरिफिकेशन जो सत्यापन किया वो उल्टा किया, क्या कि मिनट को घंटे में बदला है, घंटों को दिनों में बदला है, दिनों को माह में बदला है। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपकी गणित हल्की फुल्की कमजोर है तो पहले आप उसे इम्प्रूव करें और हिंदू काल जैसे बताया गया है उस तरीके से उनको याद करने की कोशिश करें और अधिक से अधिक कैलकुलेशन करें। चलो अब हम लेते हैं कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा। यहाँ हमने जो फॉर्मूला बताया यह है एफ का मान है और ये 108 दिन पहले वाले स्क्रीन पर आपको दिखाया, 108 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो भी अमाउंट आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बदल देंगे दिन घंटा और मिनट में। यह कार्य आपको स्वयं को करना करके देखना होगा। आज अगर मान लीजिए रनिंग क्लास अपनी होती, आप और हम रूबरू होते और व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर क्लासरूम में बता रहे होते तो ऐसी परिस्थिति में इनको बारीक से बारीक कैलकुलेशन भी आपको बताया जाता। लेकिन यूट्यूब पर जो मैं चैनल अपलोड आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसमें जितना संभव हो सकता है उसको सरल करके बताया जाता है। हिंट मैंने दे दिया है, ये दिनों की संख्या आएगी, दिन के अंदर दिन जो आएंगे आप उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आएगी जिसे आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास में मिनट आएगा। कहने का मतलब पहले दिन आएंगे फिर उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और घंटों को जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका उसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो ये जो सूर्य की प्रत्यंतर दशा है इसमें 5 दिन 9 घंटे 36 मिनट की है, चंद्र की है 9 घंटे 9 दिन की, मंगल की है 6 दिन 7 घंटे 12 मिनट की है, राहु की है 16 दिन 4 घंटे 48 मिनट, गुरु की है 14 दिन 9 घंटे 36 मिनट, शनि 17 2 24, बुध 15 7 12, केतु 6 7 12 और शुक्र 18 दिन की प्रत्यंतर दशा है। जब हमने इनका योग लगाया, पहले आप इनका सबका योग लगाए तो मिनट बनी 180, घंटे बने 45, दिन बने 106। 180 मिनट को हमने घंटों में बदला, भाग दिया 60 का, 3 घंटे आए, इस 3 को इधर ले गए हम और 45 में जोड़ा तो 48 घंटे हो गए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का भाग दिया 2 दिन आए, 2 को 106 में जोड़ा 108 दिन हमारे पास में आए, और 30 का भाग देने पर हमारे पास में 3 माह 18 दिन आ गए। जो कि आपको मालूम है कि 3 माह और 18 दिन की सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, देखिए ये यहाँ है, ये देखिए ये मिलान करना आपको, ये मिलान करना। 3 माह 18 दिन की जो अंतर्दशा है वो यहाँ आपके पास में आनी चाहिए। अगर एक दिन एक घंटा भी कम ज्यादा होता है तो आपका कैलकुलेशन गलत है, सूत्र जो आपको बताया वो गलत नहीं है, आपका गणना कार्य गलत है, इसलिए उसे पुनः चेक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको महादशा के बाद में अंतर्दशा समझ में आई। अंतर्दशा से आज मैंने जो प्रत्यंतर दशा की गणना बताई वह भी आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई गणना संबंधी या कोई भी आपको व्यावहारिक
परेशानी है आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं आपकी समस्या का पूरा पूरा समाधान देने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण।